मिशन 24x7 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और फिर दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। कांट क्षेत्र में नहर में देखा गया मगरमच्छ। मगरमच्छ देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को नहर से दूर रहने की बात कही। तेलहर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार की हुई मौत। जैतीपुर रोड पर भुड़ेली गांव के पास हुआ हादसा। मृतक युवक गुरगवा कॉलोनी का रहने वाला राजपाल बताया जा रहा। गर्भवती महिला के प्रसव के बाद हुई मौत। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में महिला ने दिया था बच्चे को जन्म। कुछ ही देर बाद जच्चा और बच्चा की हुई मौत। जैतीपुर में खेत पर काम कर रहे किसान की हुई मौत। खेत पर पाइप बिछाते समय करंट की चपेट में आया था किसान। परिजनों ने पड़ोसी किसान को बताया जिम्मेदार। ये तो थी दिन भर की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कांट थाना क्षेत्र के निकरा और ताहरपुर गांव के बीच निकली नहर में मगरमच्छ देखा गया। मगरमच्छ देखने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि नहर में बाढ़ का पानी कम होने के बाद मगरमच्छ साफ दिख रहा है। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को नहर से दूर रहने के बात कही है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा आज पुलिस लाइन पहुंचे। यहां उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए दौड़ भी लगवाई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कैंटीन, पीआरवी और मैस का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस लाइन में साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए। जैतीपुर क्षेत्र में खेत पर काम कर रहे किसान की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। पूरी घटना बिहारीपुर नगरिया गांव की है। यहां का रहने वाला केशव सिंह खेत पर पानी का पाइप डाल रहा था। इसी दौरान पड़ोस के खेत में लगे तार में दौड़ रहे करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोसी किसान को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया है। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तेलहर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। घटना उस वक्त की है जब जैतीपुर रोड पर भुड़ेली गांव के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार घायल हो गया। आनन फानन में घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक युवक गुरगवा कॉलोनी का रहने वाला राजपाल बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के मोबाइल के साथ एक अभियुक्त और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पूरा मामला 13 जुलाई 2024 का बताया जा रहा है, जब खीरी जिले का रहने वाला आलोक कुमार बस पर सवार होकर लखनऊ के लिए जा रहा था। तभी बरेली मोड़ के पास बाढ़ का पानी भरा होने की वजह से बस धीमी हुई और परविंदर ने अपने नाबालिग साथी के साथ झपट्टा मारकर मोबाइल फोन छीन लिया। जलालाबाद थाना क्षेत्र के फरीदापुर गांव की रहने वाली गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। दरअसल फरीदापुर गांव की रहने वाली महिला शिवरानी की अचानक तबीयत बिगड़ी। उसको परिजन अस्पताल ले जा रहे थे। जैसे ही परिजन महिला को कांट के पास लेकर पहुंचे, इसी दौरान महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया और कुछ ही देरी के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई। महिला के मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला पोषण समिति की आज बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रसाद सिंह ने की। इस दौरान सैम मैम परियोजना में खराब प्रगति को लेकर मदनापुर, जैतीपुर, पुवाया, निगोही, ददरौल और खुटार के सीडीपीओ का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए। कांट थाना क्षेत्र के मोहल्ला गढ़ी पूर्वी के रहने वाले राजेश का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता हुआ मिला है। शव को पेड़ पर लटकता हुआ देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का कहना है कि राजेश का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।
आज कारगिल शहीद दिवस के मौके पर शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे रक्तदाताओं ने रक्तदान किया।